तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने स्टार स्क्रू लगा दिया है। दोस्तों देख सकते हैं आप, मैंने दो स्क्रू इंस्टॉल कर दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं इसके ऊपर। पानी भी गिरेगा तब भी इसको जंग नहीं लगेगा, क्योंकि ये कवर कर देगा जो हमने कॉर्नर लगाया है। तो पाइप की सेफ्टी हो गई हमारी, और गटर भी देखने में सुंदर लगेगा गया, देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, फाइनली मैंने ये कॉर्नर इंस्टॉल कर दिया है। गटर की जो फेसिज की जो पाइप थी उसके साइड में, वो देख सकते हैं आप, इससे हमारी पाइप ख़राब नहीं होगी और देखने में सुंदर लगेगा। और ये जो कॉर्नर है हमारी इस साइड की, ये आधा आधा इंच बाहर को निकली हुई है, जिससे हमारे फेसिज ख़राब नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ऐसे थी ओपन में पाइप। इस पाइप को देखिए और इस पाइप को देखिए आप, यहाँ से जो मैंने कवर किया हुआ है, कितना फ़र्क लग रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो ध्यान में रखें, जो भी हम मटेरियल यूज़ करेंगे उसकी सेफ्टी के अभी प्रावधान साथ में कर दें तो बेस्ट रहेगा। यहाँ से पानी की लीकेज की समस्या भी को भी ख़त्म हो गया, और दूसरी बात ये कि इस पाइप की भी सेफ्टी होगी, देख सकते हैं दोस्तों। गटर का साइज़ हमारे का जो भी है, जो नीचे की सतह है गटर की, वो 5 इंच है, खड़ा भी 5 इंच है, इस साइड को भी 5 इंच है। तो हमने साइज़ बिल्कुल सही से रखा हुआ था। तो देख सकते हैं दोस्तों, 10 फीट इसकी लंबाई थी गटर की, और 5 इंच की इसकी। ये गटर हमें 850 रुपये का एक गटर पड़ा है, टाटा कंपनी का, ड्यूरेशन कंपनी का। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये कॉर्नर जो है हमें 350 रुपये का एक कॉर्नर मिला है। इसकी लेंथ 10 फीट है और 3-3 फीट दोनों साइड को है। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, हमारे जो रूफ के ऊपर परनाला लगा है, उसकी जो बाहर की पाइप होती है आउटर लाइन, ये वाली पाइप, इसकी सेफ्टी के लिए मैंने यहाँ पे फ्लैशिंग के रूप में लाइनर कॉर्नर लगा रहा है। देखिए देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है, और सेफ्टी के रूप में भी। और ये हमारा रिज है, इसकी लंबाई 10 फीट बाई 2 फीट है, सेंटर में दोस्तों ये गोला बना हुआ है। और ये देख सकते हैं केबल, और ये सामने फेसिया है, 8 इंच का लगाया हुआ हमने। इस साइड भी मैंने देख सकते दोस्तों, ये इंस्टॉल कर दिया है कॉर्नर। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने सुझाव दें। धन्यवाद।